हाय एंड व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल गैमस्टर बीस्ट। सो लेट्स गो। वेलकम बैक अनदर गेम वीडियो। इस बार गाइस हम आ गए हैं ट्रक सिमुलेटर गेम प्ले करेंगे। तो अभी हम गेम स्क्रीन पे आ चुके हैं गाइस, और जैसे कि अब मुझे जॉब भी मिल चुका है। ये कार्गो ट्रक है और पीछे जो है मुझे अटैच करके उसको आगे लेके चलने का है। और मुझे जो जॉब मिला है उसका किलोमीटर है 339 यानी 339 किलोमीटर, और उसमें टाइम जाएगा मुझे लोकेशन पे पहुंचाने के लिए टोटल 7.5 आवर्स जाने वाले हैं। मतलब पूरा 7 आवर्स 30 मिनट जाएंगे। और ये अभी जो है पीछे मुझे अटैच करना है कैसे भी, कार्गो ट्रक है तो कार्गो को लेके जाना है एक साथ। और अभी नाइट का मुझे ड्यूटी मिला है, तो नाइट में मुझे कैसे भी पहुँचाना है। अभी तक एंगल गाइज आप राइट साइड में देख सकते हो, ऊपर एंगल एक दिखा रहा होगा जो कुछ एम के शेप में रहेगा। प्रॉपर नहीं आ रहा है, वाइट है, उधर ग्रीन आना चाहिए। तो मैं वापस से आगे लेता हूँ थोड़ा ट्रक को, थोड़ा सही एंगल आएगा। और अभी आप देख सकते हो उसके ऊपर एक छोटा सा वाइट कलर का एक नॉब करके दिखता होगा, नॉब सा आपको, वो मिड में आना चाहिए। अब मैं और आगे जा रहा हूँ, ट्रक को थोड़ा अंदर के साइड गाइस लेता हूँ। आप देख सकते हो कैसे वो मिड में आ रहा है, अब ग्रीन है, अब जाके वो लग चुका है गाइस, देख सकते हो कार को। और मुझे आगे अभी निकलना रहेगा। और जैसे कि मैं बता दूँ मुझे नाइट का ड्यूटी मिला है, तो नाइट में मुझे हाईवे पे चलाना रहेगा। और मेरी ट्रक अभी रेडी हो चुकी है निकलने के लिए, और आगे से ही फ्रंट से गेट दिया गया है, उधर से मुझे आगे करना रहेगा, इनको निकालना रहेगा ट्रक को। और डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, और एक भी बार ट्रक को कुछ होना नहीं चाहिए डैमेज, नहीं तो पेनल्टी चार्जेस भी जाते इसमें। और मुझे टोटल 3000 यूरो का जॉब मिला है। उधर ठीक तरीके से पहुंचाऊंगा तो ही मुझे 3000 मिलेगा, नहीं तो वैसे पेनल्टी लगेगा तो और कम होएगा। तो वही मुझे अच्छे से चलाना रहेगा ट्रक को। और मुझे कैसे भी राइट साइड जाना है, ऊपर आप एरो में देख सकते हो गाइस रेड कलर का आ रहा है लेफ्ट साइड में, वो मैप को मुझे फॉलो करना है। तो मुझे अभी राइट साइड जाना है जहाँ रेड कलर का आ रहा है, और ब्लू कलर का जो आ रहा है वो मेरी ट्रक है, मैंने राइट साइड मुझे लेना है। मैं भी वैसे फर्स्ट टाइम ये ट्रक सिमुलेटर प्ले कर रहा हूँ गेम, तो मुझे हैंडल करने में ट्रक को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। और मैंने ट्रक को आगे भी ले चुका है गाइस, देख सकते हो। और नीचे से उसका गियर है और ब्रेक है राइट साइड में नीचे, और हैंडल और हॉर्न उसका लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो। जैसे कि मेरी जो ट्रक आगे बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है, और इस बार मैं फुल स्पीड से लेके जा रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा स्पीड नहीं है, फिर भी स्पीड है थोड़ी बहुत। और मेरी ट्रक आगे बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है, और जैसे कि मैं नाइट में चला रहा हूँ तो अभी नाइट है। और आप आगे देख सकते हो आगे एक सिग्नल, ग्रीन सिग्नल आ चुका है, मुझे लग रहा है मुझे जाते जाते रेड सिग्नल भी आ जाएगा। तो मैं शायद रेड सिग्नल का वेट भी ना करूँ, रेड सिग्नल देख सकते हो आप आ गया, लेकिन मैं आगे ही जाऊंगा, मैं सिग्नल को वो करता हूँ, इग्नोर करता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं राइट में चलूँगा। गेम को गाइस आप पूरा वॉच करना, काफ़ी मस्त गेम होने वाली है ये। साइड का सीन भी आप देख सकते हो काफ़ी सारी है, जैसे कि मुझे लग रहा है गाइस कि जो मेरा फ्यूल है काफ़ी कम हो चुका है, तो मुझे हो सकता है आगे से मुझे फ्यूल भी भराना पड़े। और आगे मुझे दिख रहा है और मैं उधर ही से भराऊंगा, आप देख सकते हो राइट साइड में है। और मैंने अपने ट्रक को भी थोड़ा ढीले कर लिया ब्रेक मार के, और मैंने ब्रेक मार के मैं थोड़ा राइट साइड में जाता हूँ, और मैं अपना पहले फ्यूल पूरा फुल करवाऊँगा टैंक का, और फिर हम आगे बढ़ेंगे गाइस। मैं जैसे कि पेट्रोल पम्प के पास पहुँच चुका हूँ, मुझे स्टॉप इंजन करने को कहा है, तो मैं स्टॉप इंजन करता हूँ। और अभी मेरे से पूछ रहा है पर लीटर 2.04 लीटर यूरो है, तो मैंने तो भाई अपना पूरा फुल ट्रंक का टैंक करवाना है।
कितना यूरोज जा रहा है आप गाइस देख सकते हो, टोटल पे 800 965 यूरो में पूरा मेरा टैंक फुल हो गया है। तो अभी हम अपने इंजन को स्टार्ट करेंगे और फिर निकलेंगे। अभी अभी मैंने रिवर्स किया अपने कार को और मैंने अभी अपना इंजन भी स्टार्ट नहीं किया। अब मैंने इंजन स्टार्ट किया और मैं ड्राइव मोड पे लेके गया और ड्राइव से मैं लेफ्ट के साइड आऊँगा, रोड हाईवे के साइड, और एक ग्रीन बस जा रही थी, मुझे उधर स्टॉप होना पड़ा। अब मैं उधर से मुझे सीधा लेना पड़ेगा और काफ़ी पतला सा रोड है गाइस, इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम भी हो रहा है, संभल के लेके जाना पड़ेगा मुझे। और मैं धीरे धीरे हैंडल को भी अपने राइट साइड कर रहा हूँ। आप देख सकते हो मैंने एकदम अप का कैमरा लिया, एकदम ऊपर से कैमरा जा रहा है मेरा साइड से ट्रक को देखने के लिए कि ट्रक डैमेज ना हो पाए, क्योंकि अगर डैमेज हो गई तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा और जो पेनल्टी है ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा पेनल्टी होने से मेरा जो मनी मुझे रिसीव होगा काफ़ी कम होने वाला है। इसके लिए मुझे ठीक तरीके से चलाना रहेगा ट्रक को। और एक कार्गो ट्रक है गाइज, आप समझ सकते हो कितनी लंबी रहती है और कितनी हैवी होती है। आप देख सकते हो नाइट में भी सीन जो है इसका काफ़ी अच्छा है इस गेम का। और ये टू वे रोड है लेकिन काफ़ी पतली सी रोड है, ये ट्रक के लिए काफ़ी स्लो ड्राइव करना पड़ रहा है मुझे। जैसे कि मैंने बताया कि मैं फर्स्ट टाइम ये गेम प्ले कर रहा हूँ और मैं पूरा जगह लेके चल रहा हूँ। अगर पीछे से भी कोई कार, मुझे अभी लाइट फ्रंट की लाइट चाहिए, वो मुझे आ नहीं रहा, कैसे स्टार्ट करना रहेगा क्योंकि कुछ दिख नहीं रहेगा इस आगे का। मैं ट्राई करते रहता हूँ, शायद मुझे बाद में पता चल जाए लाइट कैसे ऑन होती है फ्रंट की। आप देख सकते हो कैसे वो कार आई और रुक गई क्योंकि मैंने ओवरटेक कर लिया था उसको, क्योंकि मैं साइड से नहीं चला सकता, मैं फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ तो मुझे कैसे भी चलाना है। और लोग का स्पीड देख सकते हो गाइस कितनी स्पीड जा रही है, और मेरी 14 पर किलोमीटर जा रही है, 18 19 20 अभी 20 24 तक गई है 27। देख रही मुझे आगे की फ्रंट लाइट चाहिए लेकिन वो मुझे आ नहीं रहा, शायद मुझे ट्राई करना है कैसे होगा। अब देख सकते हो मैंने ये लेफ्ट जाने का इंडिकेटर दिया है, राइट साइड का। अब मुझे राइट साइड में जाना है और ये अब उससे भी पतली रोड आ गई है। अब पता नहीं मैं इंजन ऑन कर रहा हूँ या ऑफ कर रहा हूँ, नहीं मैंने ऑन नहीं किया। और अब गाइस आप देख सकते हो कि अब मैं डे में ड्राइव कर रहा हूँ, मुझे चलाते चलाते पूरे नाइट और डे हो चुका है। और मैंने थोड़ा बहुत अपना डिनर विनर भी कर लिया थोड़ा बहुत, टाइमिंग आप देख सकते हो गाइस 7 से 8 बज रहे, उसके बीच में बज रहे और अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ और अभी मैंने 50% भी क्रॉस नहीं किया है। और आगे आप देख सकते हो गाइस की स्लिपिंग आ रहा है, मतलब जैसे कि मुझे सोना रहेगा तो मैं उधर जाके सो सकता हूँ, साइड में राइट साइड में भी लेफ्ट साइड में भी आ रहा है, उधर अगर मुझे सोना रहेगा तो मैं जाके सो सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी सोना नहीं है क्योंकि मुझे ड्राइव करना है और मुझे जल्द से जल्द पहुँचना है। और जितना भी सामान है मुझे फट करके पहुँचाना रहेगा। इस बार मैंने स्पीड आप देख सकते हो गाइस मेरा 60-59 के बीच में जा रहा है पर किलोमीटर, पर आर 56 के स्पीड पे 49 अभी स्पीड आ गया। और अभी की जैसे कि मैं डे में चला रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, और मुझे लाइटिंग का भी रात में इशू हुआ था काफ़ी अच्छा, क्योंकि मैं जल्दी से डे में एंटर कर लिया और डे हो गया है। और ये अंदर का आप देख सकते हो गाइस अंदर से कितना दिख रहा है, क्या साउंड आ रहा है अंदर से, और अंदर से हर एक चीज़ दिख रहा है, और अंदर से ट्रक को मैनेज करना भी एकदम ठीक लग रहा है मुझे। आप देख सकते हो राइट साइड में ट्रक जा रही थी, ये जो आप देख रहे हो 3 व्हाइट लाइन है, ये जो
कंटिन्यूसली लाइन है उसके मुझे बीच में रखना है, ये दोनों के एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में कंटिन्यू लाइन है। अब देख सकते हो रोड थोड़ा और चौड़े हो गए गाइस आगे से, तो इसमें मैं फुल स्पीड चला रहा हूँ। आप मेरा स्पीड देख सकते हो 90 की स्पीड पे। और आप देख सकते हो गाइस ये रोड कितना पतला है यार, लेकिन फिर भी मैं इधर स्पीड अपना 47 की स्पीड पे चला रहा हूँ गाइस। अब मुझे लग रहा है कि मुझे प्रैक्टिस हो गया कि ट्रक को कैसे हैंडल करना है। और मेरी 36 या 35 की स्पीड पे होगी, मैंने ट्रक को थोड़ा वो किया है, लोस किया है उसका स्पीड, लो किया ताकि मैं हैंडल कर पाऊँ। और जैसे कि मैंने बताया ट्रक का जल्दी ये ब्रेक भी नहीं लगता है, ये ट्रक कार्गो ट्रक है, इसका जल्दी ब्रेक भी नहीं लगता गाइस। ब्रेक लगाना मतलब आपको पहले से लगाना है, या तो फिर आप कार को अपने ट्रक को काफ़ी स्लो करो फिर ही ब्रेक लगेगा। इस बार मैं थोड़ा सा बाहर के साइड जा रहा हूँ ट्रक को लेके। मुझे जगह नहीं मिल रहा गाइस, इसके लिए मैं थोड़ा सा बाहर चला रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूं अपने जहां पे मुझे पहुंचाने का ये सामान, मैं ऑलरेडी पहुंच चुका उधर। और देखते हैं और कितना टाइम होने वाला है, और पेनल्टी ये सब मुझे कितना लगता है, मुझे रिसीव कितनी होती मनी, मुझे वो मेन देखने का है। और आप देख सकते हो कि ऐसा रोड तो मैं शायद ही कभी देखा हूँ, इतना पतला रोड, ट्रक इसमें चलाने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। और मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट मैं गाइस पहुंच चुका हूँ, आगे से मुझे लेफ्ट दिखा रहा है और मैं अंदर के साइड आ चुका हूँ। और इधर आप देख सकते हो रेड ट्रैफिक लाइट आ रहा है जिसको मैं इग्नोर करूँगा, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं आगे जाऊँगा लेके सीधा और आगे से लेफ्ट लेता हूँ। आगे चल के और भाई पतला रास्ता ना आ जाए, ठीक ठाक रास्ता मिले तो ज़्यादा अच्छा है। रोड नैरो रहने में रोड पे ये प्रॉब्लम है कि ये ट्रक काफ़ी बड़ी है, इसको टर्निंग में बहुत प्रॉब्लम होता है और इसको हैंडल करना भी, ब्रेक इसका जल्दी लगता ही नहीं है, काफ़ी हैवी ट्रक है ये। और मैं आपका स्पीड देख सकते हो गाइस मैं कितनी स्पीड पे चला रहा हूँ, 768। जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं मैं ब्रिज पे और मेरे नीचे साइड पूरा पानी है, तो मैं उधर पे दिखा चला रहा हूँ। तो मुझे थोड़ा लग रहा है और आगे से मुझे लेफ्ट लेना है कि इधर से नहीं और आगे से, हाँ ये जो आ रहा है ये वाले गेट से, सेकंड गेट से, ये गेट से मुझे अंदर के साइड जाना है, अंदर के साइड जाना है। और उधर आप देख सकते हो रेड कलर का कुछ ऐसे माइनस दिखा रहा है, मतलब मुझे वो साइड बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करना, इसके लिए वो साइन आ रहा था, तो मुझे यही गेट के अंदर जाना है। और गेट देख रहे हो अपने आप खुलेगा, गेट सिक्योरिटी ने खोल चुका है गेट गाइस, और मैं अंदर एंटर करता हूँ। वो इतनी बड़ी ट्रक है मुझे लगता नहीं मैं अंदर लेके जा पाऊँगा, मुझे और शायद पीछे लेना रहेगा या नहीं, नहीं नहीं मैं पीछे नहीं ले रहा हूँ, रिवर्स नहीं लिया मैंने कहा अपने ट्रक को, मैं सीधा ड्राइविंग मोड पे और मैंने अपना हैंडल पूरा घुमा दिया। और ये मुझसे पूछ रहे हैं कि आपको पार्किंग करनी है ट्रक को उस जगह पर लेके जाके या पहले से आपको स्किप करना है। अगर मैं गाइस स्किप कर गया तो मुझे कुछ थोड़ा बहुत पैसा मेरा डिडक्ट होएगा और फिर मुझे मिल जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा नज़दीक में जाता हूँ फिर स्किप करता हूँ, अभी नहीं। अभी मैं देख रहा हूँ साइड से कि मुझे लेके जाने में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा, कुछ डैमेज तो नहीं हो रही है ट्रक, इतनी बड़ी ट्रक है ये। और इधर पूरा देख सकते हो कार्गो का ही पूरा सामान है इधर, और जो ग्रीन कलर का ना मुझे उधर इसको लगाना है ठीक तरीके से ट्रक को। मैं पूरा इधर से घुमा के लेके आ रहा हूँ गाइस, आप देख सकते हो और ज़्यादा ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है उस साइड में मुझे इसको अच्छे से लगाना रहेगा। और अभी मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरा एंगल सही जा रहा है या नहीं ट्रक का, क्योंकि एंगल एक बार अगर ट्रक आपकी आगे बढ़ गई प्रॉब्लम बहुत होता है इस ट्रक को घुमाने में, इसके लिए मैं सही लेके जा रहा हूँ। और इसमें नीचे आप देख सकते हो करेक्ट एंगल बोल रहा बिछाने मतलब बिठाने के लिए मुझे बोल रहा है कि ठीक तरीके से एंगल लेके जाओ,
वो एंगल मिस नहीं होना चाहिए। अगर मिस हो जाता तो ट्रक को वापस से घुमाना पड़ेगा, फिर वापस से लेके आना पड़ेगा, क्योंकि इसमें टर्न वन लेने में काफ़ी प्रॉब्लम होगा, काफ़ी लंबी ट्रक है। मैं धीरे धीरे से लेके जा रहा हूँ, ज़्यादा स्पीड भी नहीं चला रहा हूँ। मेरा स्पीड आप देख सकते हो 1 2 3, बस 1 2 3 0, 1 2 3 0 ऐसा ही हो रहा है। अब हो सकता है मेरे से गाइस पूछे कि क्या आप अपना पार्किंग जो इधर स्किप करना चाहते हो, तो मैं स्किप कर दूंगा अगर मेरे से पूछेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं पहुंच ही चुका समझो। अब देख रहे हो आप मेरे से पूछ रहा है ये करेक्ट एंगल बिठाओ या तो फिर स्किप करना चाहते हो स्किप कर सकते हो, तो मैं स्किप ही करूंगा गाइस यस करके। और आप देख सकते हो मुझे कितना मिला है, 1952 यूरो मुझे मिल चुका है। और पेनल्टी टाइम डैमेज पेनल्टी मिल रही है 149 यूरो, और 900 यूरो टाइम पेनल्टी, मतलब टाइम भी था मुझे टाइम से पहुँचाना था। 389 किलोमीटर मैंने टोटल डिस्टेंस कवर कर ली गाइस। आप देख सकते हो कि मैंने उस कनेक्ट को मैंने ऑलरेडी रख चुका है। अगर मुझे दूसरा जॉब चाहिए तो मैं ग्रीन वाले के पास जा सकता हूँ। लेकिन गाइस अगर आपको ये गेम अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।